Hi all, yes I am sir. So today का topic है BS series registration. Okay, आपको BS series जो नया गाड़ी लेंगे उसका process क्या है, उसका फायदा क्या है, उसमें कैसे लूँगा और उसका document process क्या है, eligibility criteria क्या है, ये सारी चीज इसमें बताऊँगा और उसमें भी मैं कवर करूँगा कि आपका पुराना गाड़ी है तो आप उसे नया आपको उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या नहीं, वो सारा उसमें बताऊँगा। तो पहले जानने से पहले मैं बताता हूँ बी एस सीरीज नंबर क्या है। बी एस सीरीज लाइक इट इज़ ए स्पेशल नंबर लाइक 2021 में अगस्त में ये लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम उसके बाद लाइक उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट था तो सितंबर में भी डेट तो याद नहीं बट सितंबर 2021 में वो उड़ीसा में वो लॉन्च हुआ था। और मैं तो वो उड़ीसा से गाड़ी लिया था तो मैं भी मेरा तो 2022 में लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है क्या नहीं मैं डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहले इस वीडियो में जाने से पहले मैं बताता हूँ इनको क्यों ये न्यू बी एस सीरीज रजिस्ट्रेशन आया, पहले का प्रॉब्लम क्या था, उसको ओवरकम करने के लिए क्यों ये बी एस सीरीज नंबर इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में हूँ तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या होता है मेरा अभी ट्रांसफर हो जाता है बैंगलोर कर्नाटका और सम डिफरेंट लाइक महाराष्ट्र और लाइक केरला और एनीवेयर। ठीक है, इसमें क्या होगा मैं अभी क्या मेरा जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है मैं गाड़ी वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा उसी स्टेट का मुझे क्या रोड टैक्स देना पड़ेगा। उससे पहले क्या होगा मैं मेरा उड़ीसा से मैं एनओसी लूँगा, एनओसी लेने के बाद वहाँ पर मैं डिपोजिट करूँगा, उसके बाद वो उसी हिसाब से उनका टैक्स मुझे देना पड़ेगा और जो भी रिटर्न है उड़ीसा से मेरा जो टैक्स है फॉर्मूला से लाइक रिटर्न होना चाहिए और बहुत सारा प्रोसेस है, आपको बहुत सारा लाइक डॉक्यूमेंटेशन ये सब बहुत सारा टाइम लगता। उसके बाद क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल मैं कर्नाटका में 1 ईयर रुका ऐसे ना हैदराबाद में रुका मुझे क्या करना है फिर से क्या करेगा फिर से मुझे कर्नाटका से एन ओ सी लेना पड़ेगा तो हैदराबाद में उसको डिपोजिट करना पड़ेगा। उसके बाद में तो एन ओ सी उससे हैदराबाद टैक्स मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा और रिटर्न के लिए फिर से कर्नाटका में अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारा लंबी प्रोसेस है, बहुत सारा लोग इसमें सफर करते हैं, नॉट मी लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ओवरकम दिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो नया बी एस सीरीज नंबर का इंप्लीमेंटेशन हुआ ये जो प्रोसेस है ये फॉर नाउ इट इज लाइक सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज दे आर गिविंग नाउ। वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बैंक एम्प्लॉयज, नाउ इन कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज ऑल्सो, बट कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज हू हैव फोर ऑफिसेस नॉट फोर लाइक फोर ऑफिसेस इन फोर डिफरेंट स्टेट्स और यूटी दे हैव एलिजिबल फॉर दैट सीरीज नंबर। ये अभी ओनली लाइक दिस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए है, अभी तो अभी स्टार्ट हुआ है, बाकी नेक्स्ट में क्या होगा वो नेक्स्ट में कुछ नोटिस आएगा तो लाइक फ्यूचर में हो सकता है तो वाला मैं आपको बताऊंगा। तो अभी का जो है अभी इस कैटेगरीज का एम्प्लॉय के लिए ही वो अप्लीकेबल है। तो बी एस सीरीज और हमारा जो नॉर्मल स्टेट वाइज स्टेट सीरीज नंबर है उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेरा जो स्टेट वाइज है तो एवरी स्टेट दे हैव सम डिफरेंट रोड टैक्स बट बी एस सीरीज में जो टैक्स है वो डिपेंड करता है वैरी करता है आपका गाड़ी का टाइप क्या है आपका गाड़ी का प्राइस क्या है उसी हिसाब से वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ 10 लाख का गाड़ी 10 लाख से नीचे का गाड़ी ले रहा हूँ उसमें मेरा कुछ टैक्स कुछ जो आएगा मे बी 8%। तो इसीलिए सो वैरी करता है गाड़ी वाइज, मैं उसका डिटेल्स मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको, आप रेफर कर सकते हैं।
Again, this number plate is applicable only non-transport vehicles. Okay. तो हमारा जो नॉर्मल कार है और बाइक है वो एप्लीकेबल है, लाइक फॉग बॉस वाला अभी तक कोई रूल्स नहीं आया है, ठीक है। तो लास्ट में हो सकता है, लेकिन अभी का जो है ओनली नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वो एप्लीकेबल है। अभी मैं कह रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और बैंक और कुछ ट्रेडर्स हैं, तो मुझे ओनली उस कंपनी का मुझे ओनली गवर्नमेंट आईडी कार्ड चाहिए और मेरा पैन कार्ड और लाइक आधार कार्ड एनीथिंग फॉर दैट मुझे चाहिए। और मैं अभी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ, मेरा फोर स्टेट में मेरा ऑफिस होना चाहिए और फॉर्म 60 60 60, ठीक है। तो फॉर्म 60 मुझे लाना पड़ेगा मेरा एचआर डिपार्टमेंट से, इस लाइक सील वो साइन करके देंगे और आपको लिख कर देंगे मेरा जो ऑफिस है एक डिक्लेरेशन देंगे कि ये मेरा फोर स्टेट में अवेलेबल है, ठीक है। और सिमिलरली मुझे सेम मुझे स्टेट का जो स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं उड़ीसा में कर रहा हूँ, तो उड़ीसा का मेरा रेजिडेंटल प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसके लिए मुझे अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई कर लिए, डॉक्यूमेंट सब दे दिए, तो क्या होगा, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपको जो आपका जो शोरूम्स में शोरूम से खरीद रहे हैं उनका जो लाइक जो भी आदमी होंगे वो आपको उसमें हेल्प करेंगे। लाइक अब आटो में सब डिपॉजिट करना है, तो आटो में फॉर्म 20 आपको फिलअप करना है, फॉर्म 20 में आपको डिक्लेरेशन देना है, ये सब आपको वो शोरूम वाले हेल्प करेंगे। उसके बाद ये सब आपको आरटीओ में डिपॉजिट करना है, तो आरटीओ डिपॉजिट करने के बाद वो आपको वेरीफाई करेंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं। आप एलिजिबल है तो डायरेक्टली आपको मैसेज आएगा आपका रोड कितना रोड टैक्स देना है क्या नहीं, आप इसके हिसाब से आपको टैक्स पे कर लेना है और पे करने के बाद आपको वह नंबर जनरेट हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा ना, आपको मोबाइल से एक मैसेज आएगा कि आपका टैक्स क्या है, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है उस पर। तो आपका अभी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अराउंड लगता है अराउंड 24 आवर्स और 2 डेज, लाइक मैक्सिमम 48 आवर्स में लग जाता है। इसके बाद आपको एक नंबर जनरेट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं वो नंबर 22BH समथिंग लाइक XXY1234 लाइक दैट समथिंग ऑटो जनरेटेड नंबर वो आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ कैंसिल नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो ऑटो जनरेटेड नंबर ही आएगा। जिस ईयर में लेते हैं वो इस ईयर, फॉर एग्जाम्पल में 22 में लिया तो 22BH देन सम नंबर, इसी से आपका गाड़ी का वो नंबर जनरेट होगा, ठीक है। अभी मुझे BH सीरीज का फायदा क्या है, मैं तो ले लिया, मुझे फायदा क्या है, तो ये सभी जानते हैं कि वन नेशन वन नंबर। तो मैं भी जो भी स्टेट में जाऊंगा मुझे कुछ परमिट नहीं चाहिए, मैं सभी स्टेट में जा सकता हूं। और जैसे क्या होता है, मैं आपको बताया था कि बहुत सारा लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि उनका जॉब ट्रांसफ़र हो गया, उनका BH नंबर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मैं उस स्टेट में जाते हैं और उनका टैक्स उनको देना पड़ेगा। और दूसरा एक बात है, फॉर एग्जाम्पल मैं आते टाइम मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 15 ईयर्स का कुछ 1 लाख फॉर एग्जाम्पल 1 लाख 1.5 लाख मुझे नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी ले रहा हूँ 10 लाख का गाड़ी ले रहा हूँ, अब काफ़ी ओवरऑल मुझे कुछ 9000 का 8000 समथिंग और 9000 का पर 2 ईयर्स में मुझे टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे एक ही साथ गाड़ी का नहीं लेना। बहुत सारा लोगों से क्या होता है, वो गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस के लिए बहुत सोचा जाता है और इंस्टॉलमेंट और एवरीथिंग, तो बहुत सारा पैसा लग जाता है। और आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप 2 ईयर्स के बाद ओनली 2 ईयर्स का पेमेंट करें और आप बाद में भी आप एवरी 2 ईयर्स आपको टैक्स दे सकते हैं, थोड़ा तो आपको बर्डन कम हो गया ना उसमें। और एक बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैं तो गाड़ी खरीद लिया, 4-5 साल चलाया, उसके बाद मुझे इससे गाड़ी सेल करना है, इसको बेचना है, तो उससे टाइम मुझे क्या करना है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, ये भी बहुत सिंपल सा है। उसका लाइक प्रोस एंड कॉन्स पे है, एडवांटेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आदमी को बेच रहा हूँ जिसके
लाइक वो भी बी एस सीरीज के लिए एलिजिबल है। उसमें क्या होता है तो गाड़ी का जो वैल्यू है तो मतलब तो गाड़ी का मुझे अच्छा खासा वैल्यू आ जाएगा, तो जो टैक्स है उसको तो देना पड़ेगा ना। टू ईयर्स के फॉर एग्जाम्पल में 4 ईयर्स का हो गया, मैं ओनली 4 ईयर्स का दिया, बाकी का जो ईयर बचा उसके हिसाब से वो नया जो जिसने मेरा गाड़ी खरीदा है उसको देना पड़ेगा। और मुझे भी कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग टेंशन में रहते हैं कि मैं तो गाड़ी खरीदा हूँ, टैक्स दे दे दिया हूँ 15 साल का, और गाड़ी का वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई 8 लाख का गाड़ी फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स के बाद 6 लाख में बेच रहा है, ठीक है, और उसका विथ बी एस सीरीज, और कोई जो उसका गाड़ी तो सेम 8 लाख का गाड़ी विथ टैक्स अपने 15 ईयर का वो टैक्स दे दिया है और वो भी 6 लाख में बेच रहा है, तो फायदा किसका हुआ उसमें, समझ रहे हैं ना। और दूसरा सिनेरियो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा गाड़ी जिसको बेच रहा हूँ उसका वो बी एस सी की एलिजिबिलिटी नहीं है, उसमें क्या हुए मैं थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जो आदमी को मैं खरीद रहा हूँ वो उसका बी एस सीरीज नहीं रहेगा, वो नॉर्मल जो स्टेट वाइज जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको गाड़ी का जो जितना लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं 5 ईयर्स का टैक्स दे दिया हूँ, 10 ईयर्स का टैक्स दे दिया, बाकी का जो टैक्स है रोड टैक्स का वो आदमी वो तो पहले का जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारा जो रोड टैक्स जिस स्टेट में जितना है इसी हिसाब से उसका भरना पड़ेगा और मेरा गाड़ी का नंबर ट्रांसफर हो जाएगा। अभी दूसरा एक सवाल आता है, मैं तो गाड़ी ले लिया तो मुझे 2 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है, मैं उसको अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करूँगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपका आप ऑलरेडी गाड़ी ले ली है, तो इसलिए मैं क्या क्या हूँ ना मैं एक नया वीडियो बनाई इसलिए आपका जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था उड़ीसा एक ऐसा ही स्टेट है 2021 में लाइक इंटरनेशनल हुआ था, तो उसका बाद बाकी अराउंड 24 स्टेट्स है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन किया था। अभी तक जो डाटा है 2024 लाइक जैसे अंडमान निकोबार देन अरुणाचल असम बिहार गोवा गुजरात जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय देन नागालैंड उड़ीसा पुडुचेरी राजस्थान सिक्किम त्रिपुरा उत्तर प्रदेश इस तरह बहुत सारा स्टेट है अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन कर लिए हैं, तो बहुत सारा फायदा है तो इस चीज़ का। तो इस हिसाब से बहुत सारा लाइक ये पूरा नेशन में इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो सभी लोगों के लिए फायदा हो सकता है। तो जो भी प्रोसेस है उसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है, तो मैं तो जितना मुझे जानकारी है मैं ट्राई किया उसको देने के लिए। अब बाकी का डिटेल्स आप जाके इन परिवहन पोर्टल में जाके आपको डिटेल्स ले सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बी एस सी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप बहुत सारा लोग तो बहुत सारे इन्फॉर्मेंस बहुत सारा बात बोलेंगे आपको, उसमें मत जाइए, आप डायरेक्टली पोर्टल में जाइए, पोर्टल में आपको बहुत सारा डिटेल्स मिलेगा, उसका फ़ायदा क्या है क्या नहीं वो आप उसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर आपको फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो उसमें मैं ट्राई किया हूँ कवर करने के लिए बहुत सारा टॉपिक, तो आपको कुछ ज़्यादा जानने का ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं ट्राई करूँगा आपको वीडियो बना के उस हिसाब कर क्लैरिफाई करूँ और डायरेक्टली आपको मैसेज करके उसको क्लैरिफाई करूँ। तो बी एस सीरीज बहुत सब सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सारा लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं करती नहीं है, तो बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है। तो वो क्राइटेरिया है तो आप जरूर बी एस सीरीज की तरफ जा सकते हैं। तो इसके साथ वीडियो हम एंड करते हैं।